सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला हूं अपने बालों के लिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा जो रिजल्ट है, जो आदिवासी तेल के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी और मैं जो इस्तेमाल कर रहा था काफी दिनों से, तो मुझे जो एक्चुअल रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अब मैं अगला स्टेप क्या लेने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ, कौन से डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ, कौन से तेल लगाने वाला हूँ, कौन सा सीरम, कौन सा होम रेमेडी, जो भी है मैं सब कुछ बताऊंगा कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। क्योंकि जो मुझे एक्चुअल रिजल्ट चाहिए था उस तेल से बिल्कुल भी नहीं मिला। मुझे थोड़े बहुत मिले थे जो कि मैंने वीडियो में बताया है। जो लोग भी वीडियो को नहीं देखे हैं आदिवासी तेल के ऊपर जो मैंने बनाया है वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। मैंने सब कुछ बताया है शुरू से लेके अंत तक, मैंने कब मंगाया, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और मेरे ऊपर कितना काम किया। सो मैंने सब कुछ बताया है। जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जाके आप, आदिवासी के ऊपर मैंने सब कुछ बताया हुआ है। सो मैंने वीडियो में बताया था कि अब मैं ये तेल यूज करने वाला नहीं हूँ, अब मैं इसको नहीं मंगाऊंगा और मैं आगे क्या करने वाला उसके बारे में सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों, फाइनली मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और अपने बालों के लिए अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। तो मैंने काफी रिसर्च करने के बाद, काफी स्टडी करने के बाद, काफी इसके बारे में पता लगाने के बाद मुझे फाइनली पता लगा है कि एक जो डॉक्टर है जिनका क्लिनिक ऑल ओवर इंडिया में है, इंडिया में आपको छोटे से लेकर बड़े शहरों तक आपको इनके क्लिनिक मिल जाएंगे और ये है होम्योपैथिक क्लिनिक। जी हाँ, इंडिया में तो है ही, इनके इंडिया से बाहर भी क्लिनिक है, मतलब फ्रेंचाइजी है। सो बहुत सारे क्लिनिक है और आपको इजीली कहीं पे भी आप गूगल करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। सो इनके सिर्फ ये नहीं कि बॉम्बे में है, दिल्ली में है, जितने भी मेट्रो सिटी है वहीं पे है, ऐसा नहीं है, आपको जो स्मॉल टाउन है वहां पे भी मिल जाएगा। सो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बत्रा के बारे में। जी हाँ, डॉक्टर बत्रा, काफी मैंने रिसर्च किया, काफी पता लगाया और सब कुछ पता लगाने के बाद मैंने अब फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मुझे एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि मेरी जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो किस वजह से हो रही है और क्या प्रॉब्लम है और इसके लिए मुझे क्या करना है। सो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया अपने बालों के लिए। मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा था, कुछ तेल यूज कर लिया, कुछ सीरम लगा लिया, कुछ होम रेमेडी लगा दिया और कुछ सप्लीमेंट वगैरह जैसे विटामिन ई वगैरह, टेबलेट वगैरह, ऐसा कुछ बहुत सारा चीज मैंने इस्तेमाल किया। जिन लोगों को बालों की समस्या है वो समझ सकते हैं कि लोग बालों के लिए क्या क्या करते हैं। तो उसी तरह मैंने भी बहुत कुछ किया, बहुत ट्राई किया और पिछले 3-4 सालों में मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है और बहुत कुछ ट्राई अभी तक कर रहा था, बट मैंने किसी डॉक्टर से नहीं दिखाया था जैसे कि मेरे बालों में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से गिर रहा है। मैंने आज तक किसी भी डॉक्टर से ना मिला ना बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ जस्ट अपने नॉलेज के हिसाब से मैं इस्तेमाल कर रहा था और मैं काफी सारी चीजें यूज कर रहा था, बट मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो एक्चुअल में नहीं मिल रहा है और पहले भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिल रहा था और जो मैंने आदिवासी तेल लगाए उसमें भी मुझे नहीं मिला। सो मैंने सोच लिया कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। ऑफकोर्स आप लोगों को भी अपने बालों से बहुत प्यार होगा क्योंकि जितने भी लोग हैं सबको अपने बाल से बहुत प्यार होता है, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज है, सर का बाल, जो आपके लुक को बहुत ही बेहतर बनाता है, आपके लुक को और भी ज्यादा अच्छा कर देता है। और बाल जिनके नहीं होते हैं थोड़ा सा उनको लो फील होता है, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस और अच्छा नहीं लगता है। अगर समय पर गिरता है तो अलग बात है, बट अगर समय से पहले गिर गया तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। सो उसी तरह मैं भी काफ़ी चीज़ें ट्राई किया, बट अब मैं जो भी ट्राई किया अब उसको बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि मैं किसी डॉक्टर से दिखाऊं। सो ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे आपको इंडिया के अंदर, बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे, सब दावा करते हैं कि हाँ आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपके बाल को रीग्रोथ कर दूंगा, आपके हेयर लॉस कंट्रोल हो जाएंगे, आपके जो बाल पतले हो गए हैं वो मोटे हो जाएंगे और जो चले गए हैं वापस आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्लिनिक, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, बट आप हर जगह तो दिखा नहीं सकते हो, जाहिर सी बात है। आपको जो लगेगा कि ये एक्चुअल में मेरे लिए सही है और एक्चुअल में ये जो क्लिनिक है, ये जो डॉक्टर है, मेरे बालों को सही करेगा, सो आपको विश्वास होता है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे जाना सही रहेगा,
सो उस हिसाब से मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बात्रा के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बात्रा के बारे में काफ़ी सुना है मैंने, काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी पढ़ा उसके बारे में, तब जाके मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब मुझे डॉक्टर बात्रा के पास जाना चाहिए, डॉक्टर बात्रा के क्लिनिक में जाना चाहिए। तो मैं वहाँ पे अभी जाने वाला हूँ, मैंने अभी अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया। उसके आपको क्लिनिक जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, तो आपको जो टाइमिंग मिलेगी आपसे पूछा जाएगा आप किस टाइम के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको जाना होता है। तो मैंने अभी अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया है, बट मैं अपॉइंटमेंट बुक करूँगा और मैं जाके मिलूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं मंडे से सैटरडे तो नहीं जा सकता, तो मुझे संडे को ही टाइम मिलेगा, क्योंकि मंडे से सैटरडे तक मेरी ड्यूटी रहती है और 9 से 6 बजे की ड्यूटी है, बट 6 या 7 भी बच जाता है। सो आप समझ सकते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए काफ़ी टफ है दिन में जाना कहीं पे भी घूमना या फिर किसी डॉक्टर से मिलना, कुछ भी करना। सो दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सकता, इसलिए मैं संडे को ही जाऊँगा और मैं अपॉइंटमेंट बुक करके फिर मैं जाने वाला हूँ। सो इसका जो अपॉइंटमेंट बुक करने का जो चार्जेस है ज़्यादा नहीं है, शायद आई थिंक 120 या 100-150 के करीब में है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इजीली आदमी जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद। उसके बाद आपको पहले आप कंसल्टेंट से मिलना है, फिर कंसल्टेंट आपको डॉक्टर से मिलवाएगा, उसके बाद फिर डॉक्टर आपके बारे में पूछेगा क्या क्या हुआ, कब से ऐसा हो रहा है, और सब कुछ बताने के बाद फिर आपको दवा देगा। सो दोस्तों, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी डॉक्टर बत्रा का वो ये है कि आप जब जाओगे तो आपके जो बाल हैं, बाल को एक डिवाइस होता है जो डिवाइस से चेक होगा, तो उस डिवाइस का नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट माइक्रोस्कोपिक वीडियो करके ऐसा कुछ डिवाइस है जिसका नाम है ऐसा कुछ। सो उस डिवाइस से वो लोग लगा के यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करने के बाद आपके जो बालों के अंदर क्या कमी है, किस वजह से गिर रहा है, वो आपको एक डिवाइस एक सिस्टम में दिखा देगा मॉनिटर के ऊपर कि हाँ इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ प्रॉब्लम है बालों के अंदर और इस वजह से गिर रहा है, तो एग्जैक्ट पता चलता है कि हाँ क्या कमी है, उसके हिसाब से वो लोग दवा लिखते हैं। तो इसलिए मुझे ये कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है आप अगर किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हो, क्लिनिक में जाते हो और होम्योपैथी दवा आप खाते हो, तो उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी टाइम लेता है ठीक होने में। तो हमको लगता है डॉक्टर बत्रा का भी शायद ऐसा ही रहेगा, शायद कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, वो तो जाने के बाद पता चलेगा, 6 महीना 3 महीना या फिर 8 महीना 1 साल मुझे पता नहीं है, वो तो जाने के बाद पता चलेगा कितना दिनों के लिए दवा मिलेगा, कब तक मुझे इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और कब से रिजल्ट देखना शुरू होगा। सो ये है, और मैंने आज तक किसी भी डॉक्टर से नहीं दिखाया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं किसी डॉक्टर से दिखाऊंगा अपने बालों के लिए, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में अपने बालों को बचाना है, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है और मेरा जो बाल है वो उसको ठीक करना है, उसको कंट्रोल करना है किसी भी तरह, और सभी लोग चाहते हैं कि मेरा बाल किसी भी तरह ठीक हो जाए, कैसे भी करके मेरा हेयर लॉस कंट्रोल हो जाए, मेरे जो बाल हैं एक्चुअल में जो पहले थे वैसा हो जाए, हर कोई चाहता है, और ख़ास करके जो एक 20 और 30 के बीच के जो लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, और वो चाहते भी है कि मेरे बाल ना गिरे। तो इस तरह से मैं अब जाने वाला हूँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर बात्रा के पास, तो मुझे जो नियर बाई में जो भी क्लिनिक मिलेगा मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे जाने के बाद मैं दिखाऊँगा। सो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, कंसल्टेंट क्या बोलता है मेरे बालों के ऊपर, क्या कमी है क्या प्रॉब्लम है, और जो भी वो इंस्ट्रक्शन देगा वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा और मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे बाल बचाना है भाई, किसी भी हाल में बचाना है, मैं ऐसे बाल को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ऐसे अगर आप छोड़ दोगे तो आप अगर किसी भी अगर आपके बाल गिर रहे हैं और आप सोचो कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कुछ ये कर लें, कुछ ये खा लें, कुछ ये लगा लें, शैम्पू लगा लें, साबुन लगा लें, तो आपके कंट्रोल होने वाले नहीं है। बहुत सारे लोगों के कंट्रोल हो सकते हैं अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो, जिस वजह से बाल गिर रहा है, और कुछ और किसी को अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर एक्चुअल में बाल गिर रहा है प्रॉपर सही तरीके से बाल गिरना शुरू हो चुका है, तो उसके लिए तो कंट्रोल करना मुश्किल है। जिन लोगों के बाल एक्सेस गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर लॉस की, तो उनको तो ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। सो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता रहूँगा आपके साथ, एक एक चीज़ बताता रहूँगा, सब कुछ बताऊँगा आपको, मैं कब जाऊँगा, कैसे जाने वाला हूँ, कितना फी लगा और क्या क्या डॉक्टर ने दिया हमको, क्या क्या बोला है लगाने के लिए, क्या क्या दवा दिया, सब कुछ मैं बताऊंगा A to Z बताऊंगा। और बस आप ऐसे वीडियो में बने रहो,
अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। आजकल जो बालों की प्रॉब्लम है वो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया, हर किसी का बाल गिरने लगता है कम ही एज में। सो इसके लिए मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा और बताता रहूंगा। सो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो मैंने आदिवासी के ऊपर बनाया था, आदिवासी तेल के ऊपर, जो कि दावा करती है कि हेयर ग्रो हो जाएंगे, रीग्रो हो जाएंगे, हेयर कंट्रोल हो जाएगा, आपके नए बाल आ जाएंगे, आपके बालों की थिकनेस बढ़ जाएगी। सो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। सो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।